बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड चैप्टर ऑफ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और साउथ एशियन पर्सपेक्टिव, कंपनी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, पार्टनरिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। लुक ऑन द मार्केट प्लानिंग, जो मार्केटिंग एफर्ट्स में हमारे पास जो एनालिसिस के बाद फर्स्ट फेज आता है वो है प्लानिंग का, इन विच मार्केटिंग प्लानिंग इज द इट इन्वॉल्व चूजिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट विल हेल्प द कंपनी attain its overall strategic objectives. So a detailed marketing plan is needed for each business, product or business brand. So aap marketing planning mein kya kar rahe hain, overall marketing strategies build kar rahe hote hain. We have to develop the marketing strategy and we have to develop the marketing plans. Ye kyun hota hai marketing plans, hum har ek product, har ek business aur har ek brand ke liye alag alag develop kar rahe hote hain. Business se murad yahan par strategic business unit hai, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था SBU में, BCG मैट्रिक्स में भी डिस्कस किया था हमने। सो स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट आपकी प्रोडक्ट है और ये आपका ब्रांड है, उसके लिए आप स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं और मार्केटिंग प्लान डेवलप कर रहे होते हैं। अगर मार्केटिंग प्लान एक ओवरऑल प्लानिंग ऑफ दी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जो कि फ्यूचर में आपने वर्कआउट करनी है, उसका पेपर वर्क जो आप कर रहे होते हैं उसे मार्केटिंग प्लान कहा जाता है। टेबल 2.2 के अंदर मार्केटिंग प्लान का एक गिस्ट अवेलेबल है, आप उसे चेक कर सकते हैं बुक के अंदर। आफ्टर दी प्लानिंग यू हैव टू गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने जो कुछ पेपर वर्क किया है, जो कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजिक प्लानिंग की है पेपर के ऊपर, अब आप उसको कैरी आउट करने का वक्त है। सो मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन इज टर्निंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान इन टू मार्केटिंग एक्शंस टू अकॉम्प्लिश द स्ट्रेटजिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी आपने मार्केटिंग प्लानिंग की थी, स्ट्रेटजिक प्लानिंग की थी, उसको एक्शन में लेकर आना, उसको परफॉर्म करना, दैट इज नोन एज मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। और आप एक्शन में क्यों लेकर आते हैं, टू अकॉम्प्लिश योर मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आपने जो भी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट में सेट किए थे उनको अचीव करने के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। सो आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग कंट्रोल। आपने प्लानिंग की, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कर ली, नाउ इज द स्टेट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोलिंग मीन्स मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे होते हैं। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप मेजर करते हैं रिजल्ट्स को कि आपने जो कुछ इंप्लीमेंट किया उसके रिजल्ट्स क्या है। उसके बाद आप उसको इवेलुएट करते हैं अपने रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड्स के साथ कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये वाकई ही उस स्टैंडर्ड्स पर मीट कर रहे हैं जो कि आपने सेट किए थे। मीन्स जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे वो मीट आउट हो रहे हैं कि नहीं, और अगर हो रहे हैं दैट मीन्स योर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वॉज वेरी गुड। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान कोई गैप आ रहा है, कि आपने प्लान कुछ और किया था और इम्प्लीमेंटेशन में वो रिजल्ट नहीं आए, तो यू हैव टू फाइंड आउट दी रेलिवेंट इश्यूज, तो यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। तो आपको करेक्टिव एक्शन लेने होंगे, दोबारा से प्लान्स को एडजस्ट करना होगा, इम्प्लीमेंट करनी होगी और फिर से कंट्रोल करना होगा। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो यू हैव टू एवेलुएट द मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। इससे रेलिवेंट कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू अगेन।